किशोर कुमार, मैंने सहारा में कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे जो करीबन 7-8 लाख रुपए होंगे। जब अब हमें उसकी मैच्योरिटी भी हो चुकी है, हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं ना, वहाँ कोई बंदा बैठा होता है, जब हम किसी से जवाब मांगने जाते हैं वहाँ ताला लगा हुआ था। कल एक मैनेजर था, वो भी इस्तीफा दे के कह रहे भाई जी मैंने इस्तीफा दे दिया है, अब वहाँ हम आज गए तो वहाँ ताला लगा हुआ है। अब हम मंत्री जी के पास यही शिकायत लगाए, हमारी FIR भी दर्ज है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है कि उनमें से किसी जिम्मेवार बंदे को पकड़ कर लाया जाए, कोई हमें किसी चीज़ का आश्वासन दिया जाए कि हमें हमारे पैसे कब मिलेंगे। इनमें से कई ऐसे लोग हैं जिनकी लड़कियों की शादी है, कोई बीमार है, अब उनको अपने पैसे की जरूरत है तो पैसे नहीं मिल रहे। बताओ कोरोना काल के अंदर वैसे ही लोग टूटे हुए हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है, तो अब बताओ कैसे हमें, कोई जिम्मेवार बंदा जब तक नहीं आएगा तो कैसे ये पैसे मिलेंगे। पिछले 10 साल से काम करती हूँ, 10 सालों से मतलब ये FDI थी हमारी यहाँ पे, और जो भी पेमेंट थी मतलब ये लोग इन्वेस्ट कराते रहते हैं आगे, मतलब अभी मुझे जरूरत थी पैसों की, तो मतलब 4 लाख हो चुका था मेरा, और मतलब और लोगों का भी जिन्होंने लगाया था 12 लाख उनका भी है, तो मतलब ये पेमेंट नहीं दे रहे हैं। इस टाइम जो मैनेजर था वो मतलब उन्होंने रिजाइन दे दिया है, और अब ऑफिस में ताने लगे हैं, अब हम किसको मतलब कहें पेमेंट दें। इसलिए अनिल भी साहब के पास आए थे हम अपनी रिक्वेस्ट लेके कि हमारी पेमेंट जल्दी से जल्दी निकलवाई जाए, तो मतलब जल्दी से जल्दी सब हो सके, पैसा जितना जल्दी मिल सके लोगों को। सब परेशान है हमारे साथ, 14 मतलब एजेंट हैं, हम लोगों ने कंप्लेन की थी, FIR दर्ज करवाई है, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है इसके ऊपर। नहीं, कार्रवाई हो रही है उनको, ऐसा जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं उसको सभी प्रकार से उसको अध्ययन करना पड़ता है, और अध्ययन करने के बाद ही कार्रवाई होती है।